हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वर्कशीट 4 के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। मेरे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 का जो बिट आई है, ये क्वेश्चन छूट गया था। मुझे लगा टिल एच ही दिया गया है, तो आई वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था। इसको अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 1260 के वंस प्लेस में ज़ीरो है, इसलिए ये एक इवन नंबर है जो 2 के साथ डिविजिबल है। तो 2 के साथ करने से 126 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग करेंगे। तो ये देखिए, 126 डिवाइडेड बाई 2 करने से ये 12 है, तो 2 6 12, माइनस करने से 0, तो 6 नीचे आएगा। 2 3 6, माइनस करने से 0, तो 126 डिवाइडेड बाई 2 63 है। 1260 डिवाइडेड बाई 2 करने से हमें 630 मिलेगा। हम लोग 126 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर लिखेंगे और उसके साथ एक 0 ऐड कर देंगे। इस टाइप ऑफ ट्रिक से सॉल्व करने के समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप जो नंबर दिया गया है, ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं। जैसे मान लीजिए 30 है, तो उस केस में 3 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई करके नहीं कर सकते। जब भी जो नंबर दिया गया है विद 0, 0 को छोड़ के वो नंबर 2 के साथ डिविजिबल होना चाहिए, तब आप इस टाइप ऑफ ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1260 डिवाइडेड बाई 2 630 है। अभी 630 भी 2 के साथ डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस में 0 है। बट देखिए, यहाँ 63 डिवाइडेड बाय 2 हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए ये ट्रिक हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग 630 डिवाइडेड बाय 2 फुल करेंगे, तो 2 3 6, 3 नीचे आएगा, 2 1 2, माइनस करने से 1, फिर 0, 2 5 10, माइनस करने से 0, तो 315 हमारा आंसर होता है। अभी वंस प्लेस में 5 है, तो ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 के साथ इसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 3 + 1 4 + 5 9, तो 315 3 के साथ डिविजिबल है। तो 315 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, इसको और थोड़ा स्पेस में करते हैं, 315 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, माइनस करने से 0, तो 1 नीचे आएगा, तो 3 में 1 नहीं है, तो 3 0 0, माइनस करने से 1, ये 5 15, तो 3 5 15, माइनस करने से 0, तो 105 हमें मिलता है। अभी 105 के सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 1 + 5 6, तो ये नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल है। तो 105 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 3 9, माइनस करने से 1, फिर 5 नीचे आएगा, 3 5 15, माइनस करने से 0, तो 35 आंसर आएगा। अभी 35 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, बट वंस प्लेस में 5 है, इसलिए ये नंबर 5 के साथ डिविजिबल है। तो 35 डिवाइडेड 5 करने से हमें 7 मिलता है, तो 7 तो ओनली 7 के साथ ही डिविजिबल है, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 1, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 दो बार हमें मिलता है, 3 दो बार, और 5 और 7 एक एक बार ही मिलते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अभी देखिए, 2 दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7,
तो ये इसका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमें पता है जब हमें ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर या थ्री डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर पूछा जाता है तो हम लोग नाइन को उतना बार ही लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर हमारा 9999 है। अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। तो वंस प्लेस में 9 है तो ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, बट सारे 9 हैं इसलिए ये नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 के साथ डिविजिबल है। तो 9999 डिवाइडेड बाय 3 करने से ये देखिए 9999 डिवाइडेड बाय 3, 3 जा 9, माइनस करने से ये 9 नीचे आएगा, तो 3 जा 9 फिर से, फिर ये 9 नीचे आएगा, 3 जा 9 माइनस करने से 0, फिर ये 9 नीचे आएगा, तो 3 जा 9 माइनस करने से 0, तो आंसर होगा 3333। अभी ये नंबर देखने से ही पता चलता है 3 के साथ ही डिविजिबल है, तो 3333 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 माइनस करने से 0, इसलिए ये 3 को नीचे लाएंगे, 3 1 जा 3। अब चाहें तो यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट नंबर को नीचे ला सकते हैं। तो अभी 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3, ये 0 हो जाएगा, अभी ये नीचे आएगा, 3 3 1 जा 3 माइनस करने से 0, तो 1 1 1 1। अभी 1 1 1 1 जो नंबर है वो 3 के साथ डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 4 हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 1 जो नंबर है हम लोग 7 के साथ देखेंगे, ये 7 के साथ भी डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट है हमारा 11। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस हम लोग कंपेयर करेंगे, ऑड इवन। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस हमारा 1+1 2 है, इवन प्लेसेस में 1+1 2 है, और दोनों का डिफरेंस 2-2=0 है, तो ये नंबर 11 के साथ डिविजिबल है। तो इसको 11 के साथ ही डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए 11, तो फर्स्ट 11 को लेंगे, 11 1 जा 11 माइनस करने से 0, तो ये 0 होगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं 1, तो 11 के टेबल में 1 नहीं है, तो 11 0 0, 1 को नीचे लाएंगे, फिर ये 1 को नीचे लाएंगे, तो 11 1 जा 11 माइनस करने से 0, तो 1 1 1 1 डिवाइड बाई 11 करने से हमें 101 मिलता है जो एक प्राइम नंबर है, तो 101 ओनली 101 के साथ ही डिविजिबल है, तो 101 डिवाइड बाई 101 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 11 × 101 है, यानी कि 3² × 11 × 101। तो ग्रेटेस्ट जो फोर डिजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें ये आंसर मिलता है। जितना भी पेन में लिखा गया है जब आप फेयर कॉपी में करते हैं आप वही सब लिखे, ये सारा जो पेंसिल में मैं बताती हूँ वो सारा ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन होता है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, उसको कॉपी में नहीं लिखना है, आप लोग उसको रफ में ही कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, राइट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड शो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर जब भी कोई पूछा जाता है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर ऐसे, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना डिजिट पूछा जाता है हम लोग पहले 1 लिखते हैं, फिर उतना जीरोस लगाते हैं ताकि हमें फोर डिजिट नंबर मिले। स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर है तो 1 के साथ 4 जीरोस,
ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हमारा 1000 है। इसका अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें ये आंसर मिलता है, ये देखिए 1000। ये एक इवन नंबर है इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 500, ये बहुत कॉमन चीज़ है इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, डिविजन करके 500 डिवाइडेड बाय 2 250। यहाँ और एक चीज़ देखिए, 1000 का जब पूछा गया है डिवीज़न करना है 2 के साथ, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 आप कीजिए 50, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 करने से 50 को लिखिए और एक ज़ीरो लगाइए। नेक्स्ट है 500, तो पहले 50 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 25 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 2 25 के साथ और एक ज़ीरो लगाइए, तो 250 आंसर होता है। अभी 250 में हम लोग 25 डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर सकते, इसलिए हमें 250 जब हम लोग 2 के साथ डिवाइड करेंगे हमें फुल डिवीज़न करना पड़ेगा। तो ये देखिए 250 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 माइनस करने से 0, 5, 2 2 जा 4 माइनस करने से 1, ये 0, 2 5 जा 10 माइनस करने से 0, तो 125 मिलेगा। अभी यहाँ पे वंस प्लेस में 5 है, तो ये नंबर 2 के साथ फर्दर डिविजिबल नहीं है। हम लोग 3 के साथ देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स करके, 1 + 2 3 + 5 8, तो 8 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है, तो ये नंबर 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट है 5, ये 5 के साथ डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस में 5 है, तो 125 डिवाइडेड बाई 5 करने से 5 2 जा 10, 2 फिर 5 5 5 जा 25 माइनस करने से 0, तो हमें 25 मिलता है। 25 जब हम लोग 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो 5 हमें मिलता है क्योंकि 5 5 जा 25। अभी ये जो 5 है ओनली 5 के साथ ही डिविजिबल है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 3 बार रिपीट होता है, 5 3 बार रिपीट होता है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2³ या 2 to the power 3 into 5 to the power 3, ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इसको सम ऑफ ऑड प्राइम्स करके हमें लिखना है, तो ये सारे प्राइम नंबर से फ्रॉम 1 to 100। तो 18 दिया गया है, तो 18 का नियरेस्ट प्राइम नंबर हम लोग देखेंगे तो 17 है, तो अगर हम 17 + 1 करेंगे हमें 18 मिलता है, लेकिन 1 प्राइम नहीं है या कंपोजिट नहीं है, यानी कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए हम लोग जब एडिशन करेंगे हम किसी भी केस में 1 को नहीं ले सकते, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर 17 से पहले हमारा प्राइम नंबर 13 है, तो हम लोग जब 13 + 5 करते हैं जो कि और एक प्राइम नंबर है, तो हमें 18 मिलता है, तो इसका आंसर 13 + 5 होगा, लेकिन हम लोग छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे इसलिए 5 + 13 हम लोग लिखेंगे। यानी कि जो भी नंबर आपको दिया जाता है उससे कम वाले प्राइम नंबर को लेके आप पहले कंपेयर कीजिए, यानी कि उसके पहले वाले प्राइम नंबर को लीजिए, फिर उसके साथ उस प्राइम नंबर के साथ कौन सा नंबर लगाने से आपको
आंसर मिलेगा वो चेक कीजिए, अगर वो हो पाता है ठीक है, नहीं तो उससे प्रीवियस वाले प्राइम नंबर को लेके फिर सॉल्यूशन निकालिए। जैसे 32 है तो 31 और 37 जो दोनों प्राइम नंबर्स हैं इसके बीच हमारा 32 वाला नंबर आएगा। तो हम लोग जब 31 जो प्राइम नंबर है उसको लेके करते हैं, ये देखिए जब हम लोग 31 लेते हैं तो 31 प्लस 1 होगा, तो 1 हम किसी भी केस में नहीं ले सकते बिकॉज 1 प्राइम नहीं है या कंपोजिट नहीं है, इसलिए हम लोग 31 को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर बैकवर्ड जाएंगे हम लोग तो 29 हमें एक प्राइम नंबर मिलता है, 29 प्लस 3 करने से हमें 32 मिलता है, तो ये इसका आंसर है। लेकिन हम लोग इसको जब प्रॉपरली लिखेंगे इसको 3 प्लस 29 लिखेंगे। नेक्स्ट है 66, तो 66 यहाँ पर होगा 61 और 67 उसके आगे वाला और उसके पीछे वाला प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लोग 66 जब लेते हैं फिर उसके पीछे वाला नियरेस्ट प्राइम नंबर को देखें तो 61 है, तो 61 प्लस 5 करने से हमें 66 मिलता है, तो ये दोनों प्राइम नंबर से इसलिए हम लोग इसको 5 प्लस 61 करके लिखेंगे। नेक्स्ट है 90, तो 90 यहाँ आएगा हमारा, तो हम लोग 89 प्लस 1 जब लिखते हैं ये हमारा नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, 1 किसी के साथ हम लोग किसी प्राइम नंबर के साथ ऐड करके नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट है 83, जब हम लोग 83 और 7 को ऐड करते हैं हमें 90 मिलता है दोनों प्राइम नंबर से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर 83 प्लस 7 होगा। लेकिन हम लोग जब लिखेंगे छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे तो 7 प्लस 83 लिखेंगे। ये क्वेश्चन 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, तो जो भी नंबर्स दिए गए हैं हमें 3 ऑड प्राइम का सम लेके इसको एक्सप्रेस करना है, तो फर्स्ट है 41, तो ये सारे प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 to 100, ये रेफरेंस के लिए मैं ऊपर लिख दी हूँ, तो 41 ये एक प्राइम नंबर है खुद से, तो हम लोग उसके नियरेस्ट प्राइम को देखेंगे 37, तो 37 प्लस 4 करने से हमें 41 मिलता है, तो 37 ऑलरेडी हमारा प्राइम नंबर है, हम लोग 4 को अगर ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 3 या 2 प्लस 2 मिलता है, तो हम लोग को एक्चुअली 37 प्लस 2 प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट प्राइम नंबर्स लिखने से वो आंसर थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, इसलिए हम लोग इसको 37 प्लस 2 प्लस 2 नहीं लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन है 37 प्लस 1 प्लस 3, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि 1 हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो हम लोग 37 को नहीं लेंगे, उसके प्रीवियस प्राइम नंबर को देखें 31, तो 31 प्लस 10 हमारा 41 है, तो 10 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे दो प्राइम्स में तो 3 प्लस 7 करने से हमें 10 मिलता है, तो 41 हमारा 31 प्लस 3 प्लस 7 होगा। दूसरा ऑप्शन है अगर आप ऐसे सोच रहे हैं 10 को जब हम लोग ब्रेक करते हैं 1 से अगर देखेंगे तो 1 प्लस 9 ये नहीं होगा, 2 प्लस 8 है, 8 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 प्लस 7, तो इसका आंसर होगा 31 प्लस 3 प्लस 7, लेकिन इसको अरेंज करके हम लोग छोटे से बड़े के क्रम में लिखें तो 3 प्लस 7 प्लस 31 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है 23, ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसके नियरेस्ट प्राइम को देखें 19, तो 19 प्लस 4 करने से हमें 23 मिलता है, तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो 19 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेके करेंगे, तो 19
प्लस फोर जब करेंगे तो 19 प्लस 2 प्लस 2 कर सकते हैं, 19 प्लस 1 प्लस 3, तो 1 प्राइम या कंपोजिट नहीं है, तो 1 प्लस 3 4 को जब ब्रेक करेंगे ये आंसर सही नहीं होगा, तो 19 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, उसके प्रीवियस वाला प्राइम नंबर 17 है, तो 17 प्लस 6 हम लोग जब करेंगे तो 6 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे 17 प्लस 2 प्लस 4 कर सकते हैं, जहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, और 17 प्लस 3 प्लस 3 भी कर सकते हैं लेकिन हमें डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेना है, यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसको भी नहीं लेंगे हम लोग। तो उसके बाद हमारा 13 आता है, तो 23 को हम लोग 13 प्लस 10 लिखेंगे, तो 10 को यहाँ पे जैसे हम लोग किए 3 प्लस 7 उसमें ब्रेक करेंगे, तो 13 प्लस 3 प्लस 7, और सीक्वेंस में लिखेंगे 3 प्लस 7 प्लस 13, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 75, तो 75 यहाँ आता है, तो उसका नियरेस्ट प्राइम देखेंगे 73, तो 73 प्लस 2 हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 प्राइम नंबर के एडिशन में इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है 71, तो 71 प्लस 4 लिख सकते हैं, 4 को अगर ब्रेक करेंगे लेकिन हमें 4 को ब्रेक करने से डिफरेंट प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे, जैसे 71 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे मिलेंगे, तो डिफरेंट प्राइम नंबर्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर 67 को लेंगे, तो 67 प्लस 8 करने से हमें 75 मिलता है, अभी 8 को हम लोग कितने वे में ब्रेक कर सकते हैं उसको एनालाइज करेंगे, तो 8 हमारा 1 प्लस 7 हो सकता है, 7 प्राइम नंबर है लेकिन 1 हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये ऑप्शन रोल डाउन। फिर 2 प्लस 6 होगा, 2 प्राइम नंबर है बट 6 कंपोजिट नंबर है, नहीं हो सकता। अभी 3 प्लस 5 होगा 8, तो 8 को हम लोग 3 प्लस 5 में ब्रेक करेंगे, तो 75 हम लोग 67 प्लस 3 प्लस 5 में ब्रेक करेंगे, लेकिन जब आंसर लिखेंगे हम छोटे से बड़े के क्रम में लिखें, तो 3 प्लस 5 प्लस 67 ऐसे आंसर लिखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 4 का, तो 59 दिया गया है, तो 59 एक प्राइम नंबर है, हम 53 के साथ जब देखते हैं तो 53 प्लस 6 होता है, 53 प्लस 1 प्लस 5 अगर डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेके करें तो ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है और 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये रूल्ड आउट है। फिर 53 प्लस 2 प्लस 4 करने से भी नहीं होगा, 53 प्लस 3 प्लस 3 करने से होगा, लेकिन हमें डिफरेंट प्राइम नंबर्स चाहिए इसलिए ये ऑप्शन को हम लोग रूल आउट करेंगे। नेक्स्ट है 53 से पहले 47 है, तो 47 प्लस 12 करने से हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग 12 के ऑप्शंस में क्या क्या आएंगे उसको एनालाइज करेंगे। तो 12 हमारा 1 प्लस 11 होगा, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट है 2 प्लस 10, 2 प्राइम है लेकिन 10 हमारा इवन नंबर है या कंपोजिट नंबर, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 3 प्लस 9, 3 प्राइम है लेकिन 9 कंपोजिट है, तो नहीं होगा। 4 प्लस 8, दोनों कंपोजिट नंबर है, नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आएगा 5 प्लस 7, तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 12 को हम लोग 5 प्लस 7 करके लिख सकते हैं, तो 47 प्लस 12 यानी कि 47 प्लस 5 प्लस 7, तो इसका आंसर होगा 5 प्लस 7 प्लस 47 ऐसे। तो ये हमारा वर्कशीट 4 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में
वर्कशीट 5 का जो SCF दिया गया है वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी, और जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, और वर्कशीट 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगी। थैंक यू।